So guys, we are heading towards Elk Island, and this is the way. Elk Island is a national park, and as you enter, you need to purchase a ticket. So हमने यहाँ पे टिकट ले ली थी जो अराउंड $16 थी. हम लोग 4 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड थे, लेकिन आई थिंक ये पर कार फीस लेते हैं. बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही ग्रीनरी है, और हाँ, यहाँ कभी कभी बीच बीच में समर में वाइल्ड फायर्स भी होते रहते हैं, तो उस वजह से कई बार ये पार्क, नेशनल पार्क बंद होता है. लेकिन टुडे वॉज अ गुड डे. सो इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशंस और मस्ती के साथ हम पहुंच गए थे एल्क आइलैंड. Hey everyone, welcome to my YouTube channel, and we are here at Elk Island. So guys, Elk Island एक national park है जहाँ पे majority bison को spot किया जाता है, and ये बहुत ही beautiful lake है जहाँ पे beach side आप बैठ सकते हैं, picnic कर सकते हैं. और 3 lakes है by the way, लेकिन ये Estotin Lake एक place है जो हमने आज select करी है. तो let's see what we do here. तो गाइस, कई लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं, कई कयाकिंग कर रहे हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो ये एल्क आइलैंड जो है, ये एडमंटन सिटी से 35 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, और बहुत ही प्लेजेंट और पीसफुल प्लेस है. यहाँ सैंड भी है, तो बीच एरिया भी लगता है, एंड पिकनिक स्पॉट है, बारबेक्यू कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है. सो वो लोग एंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम, एंड बाकी के लोग पिकनिक कर सकते. टेबल्स भी रखे हुए हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ खाने का सामान निकालो और ये सीगल कनाडा में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ये सीगल इतना परेशान करते हैं कि आपके डिश में से तक ये निकाल के ले जाते हैं खाना. इसने जैसे ही प्लेग्राउंड देखा, इसके खुशी का ठिकाना नहीं था. ये इसीलिए इतनी स्पीड से दौड़ रहा है क्योंकि ये वहीं जा रहा है सीधे. यहाँ स्लाइड वगैरह सब कुछ खेलने के बाद थक हार के हम वापस से लेक साइड पे गए और वहाँ पे किया नाश्ता. और देखो, कुछ लोग अपनी कयाक, बोट सब कुछ लेकर आए थे, और वो लोग यहाँ पे बड़े एन्जॉय कर रहे थे. सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा एल्क आइलैंड पे. और आई होप आप जब भी एडमिंटन आते हैं, या आप ऑलरेडी एडमिंटन में रहते हैं, तो आप भी ये ज़रूर विज़िट करेंगे. और अगर किया